उड़ीसा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना में बिहार के यात्रियों को आवश्यक मदद पहुंचाने के लिए अधिकारी बालासोर जाएंगे। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर 4 अधिकारियों की एक टीम भेजी जा रही है, जो रविवार को पहुंचेगी। टीम उड़ीसा सरकार, रेलवे तथा बालासोर जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करेगी। वहीं टीम में श्रम संसाधन निदेशक श्याम बिहारी मीना, मुजफ्फरपुर के रेल SP डॉक्टर कुमार आशीष, आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी अविनाश कुमार और SDRF के डिप्टी कमांडेंट सहरार शामिल हैं। बता दें कि आपदा प्रबंधन सचिव संजय कुमार अग्रवाल इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस हादसे से संबंधित आवश्यक सूचना एकत्रित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। बता दें, इस हेल्पलाइन नंबर 0612229424, वहीं 7070290170 की मदद से लोग इसकी जानकारी पहुंचा सकते हैं। इस भीषण रेल दुर्घटना में सुरक्षित बचे बिहार के यात्रियों को वापस लाने की कार्रवाई राज्य सरकार ने शुरू की है। वहीं इस क्रम में प्रथम बैच के राज्य के 40 यात्रियों को बस द्वारा वापस भेजा जा रहा है, जिसमें अररिया के 24, किशनगंज और सीतामढ़ी के 2-2, दरभंगा में 9, समस्तीपुर के 3 यात्री शामिल हैं। बता दें, उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे में बिहार के 7 लोगों की मौत हुई है। इनमें उत्तर बिहार के 4, नवादा का 1 और जमुई के 2 लोग शामिल हैं, जबकि 36 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 10 लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों में 2 मधुबनी के झंझरपुर के और 1 लंदनिया के हैं। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा के भी 1 मजदूर की मौत हुई है। वहीं उत्तर बिहार के 20 लोग घायल हुए हैं। इनमें 9 लोग मधुबनी के और 11 लोग पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। जमुई के भी 2 युवकों की मौत हुई है। नवादा के रोह के युवक की मौत की सूचना मिली है। वहीं आपको बता दें कि अब बिहार सरकार एक्टिव होते हुए सभी को वापस लाने की तैयारी में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।